वहां की करेंसी क्या है? न डॉलर है, न पाउंड है, न स्टर्लिंग है, न येन है, न पेन है। वहां नेकियां है। किसी को गाली निकाली, किसी को थप्पड़ मारा, किसी का हक लिया, किसी की चुगली की, किसी पर बहुतान लगाया, किसी के साथ ज्यादती की, तो हुक्म होगा फरिश्तों इसकी ये नेकियां बहे शुमार हैं, लेकिन जिन जिन के हकूक बनते हैं उन सबको इनकी नेकियां दे, हत्या के उसके बाद कोई नेकी रह नहीं जाएगी। फिर फरिश्ते अर्ज करके बारी ताला, अभी तो काफी लोग और हैं जो हक मांग रहे हैं, किसने बात बदतमीजी की थी, ज्यादती की थी, हक मारा था, अब बारी ताला काफी लोग अभी डिमांड कर रहे हैं, पर मैं अब उन लोगों के गुनाह इसके दे दो, इसके पास तो नेकी नहीं, दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, मुफ्लिसरीन हो गए। उसके लिए आका बड़े करीम है, एक आसान फार्मूला बता दिया कि जो सलातुल खुसूमत पढ़े इन चंद रातों में, जिनमें एक रात आज की भी है, और सवाब उनको पहुंचा दे जिन जिन के हुकूक देने हैं, तो अल्लाह बारी तआला अपने खजानों से उनको वो अजर अजीम दे के कंपनसेट कर देंगे और किसी को नेकियां नहीं देंगे। वो हम सलातुल साहब की मेहनत करते हैं कि ये इस्लाम खुसूमत भी ये चार का नमाज पढ़ा ही दें, चार का नमाज सलातुल खुसूमत इसकी नीयत करेंगे, और फिर अर्ज करूँ तो जोहर की, असर की, ऐशा की चार नमाजें अगर खजा हो गई हैं, जाने में अनजाने में कुछ हो गया है, तो पहले फर्ज आएंगे, या अल्लाह उसकी भी नीयत कर लें, एक नमाज की नीयत हम कर लें, या अल्लाह उसको भी कबूल कर लें, और ये जो खुसूमत है इसको भी कबूल कर लें। अल्लाह बहुत बड़े हैं, इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। सरकार के दौर में ऐसी कई वाकियात हुए हैं, या वीडियो को मिला, सर जुमे की रात को होता था, एक गुस्से से दो नीतें करते थे, एक गुस्से जनाबत और एक गुस्से जुमा, तो अल्लाह ताला की सुन्नत को अभी की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी, और ये हम सलात को खूबसूरत पढ़ के जिन जिन के ये दुआ किया करें, या अल्लाह जिसके हकूक दे रहे हैं उनको सवाब पहुँचा, ताकि वहाँ आसानी हो जाए, एक नेकी कोई ना देगा। एक बेटा आएगा माँ के पास, माँ क्या बना आपका बेटा? मेरी नेकियाँ बदलियाँ तुली थी, वजन हुआ था, मेरी नेकियाँ कम हो गई, तो अब तो मैं तो जहन्नम में जा रही हूँ, नेकियाँ बहुत कम होने। बेटा कहेगा माँ फिर एक नेकी तो मुझे दे दो, मेरी एक नेकी कम है, मैं जन्नत में जा सकता हूँ। वहाँ माँ एक नेकी ना, माँ की मोहब्बत तो मिसाली है, मिसाल दी जाती है, वहाँ एक नेकी वो माँ भी ना देगी, यही कमाने का वक्त है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आ जाओ जिक्र में, इतना अजर और सवाब मिलता है कि उठने से पहले गुनाह माफ नेकियों में तब्दील हो जाता है। जब नेकी बनी मिलेगी तो ये एक तो नेकियां मिलेंगी, और फिर जब वजन होगा तो गुनाह भी माफ हो गए हैं, तो पलड़ा और भारी हो जाएगा। इसलिए इसी मस्जिद में हर जुमे रात को 8 बजे के करीब हम जिक्र की बहस का निकाल कर लेते हैं, घरों में भी चले जाते हैं, और एक इतवार हम सुलो मस्जिद में होते हैं, एक इतवार हम हाईवे के मस्जिद में जुमा होते हैं, एक इतवार हमारी वॉक्सोटो मस्जिद में होती है, एक किल्फर मस्जिद में होती है, एक सैटरडे किंग में होती है। इसी तरह कोशिश करते हैं मस्जिदों का बात करें। अल्लाह हमारी माँ इबादत को कबूल फरमाए। तुम्हार खलक तुर जिन अपनी इंसानी याबुद हो, जितना इंसानों मैंने तुम्हें सर इबादत के लिए पैदा किया, इंसान की तकलीफ का मकसद ही इबादत है। अल्लाह ताला हमारी इबादत फरमाए। सलातुल खुसूमत चार रकअत नमाज, अल्लाह जी जिसके मैंने हकूक देने उनको सवाब पहुँचा दें, और मेरी को जो रस जो भी आप पसंद करें आए हैं तो पूरा वसूल करें, जिनों जान से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हूँ उसको हाजिर नाजिर सभी अलीम खबीर मान लें। उसने कहा नो मैटर व्हाट यू डन इन द पास्ट, वंस यू अशेम, वंस यू रिग्रेट, यू विल नेवर एवर फाइंड मोर फॉरगिवन देन आई एम। अल्लाह के बंदो, जब गुनाह हो ही गया है, शर्मसार होते हो, नदामत महसूस करते हो, आगा मेरी तरफ ये गुनाह है, मुझे अल्लाह माफ करने वाला किसी को ना पाए। आज की रात 300 दरवाजे रहमत के खुल चुके हैं, मगरिब के बाद खुल चुके हैं। अल्लाह बड़ा करीम है, इन नकल तुफले कुल मियाद, वो झूठा वजन करता। आज की रात बनी कलम के कबीले की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह मगफर फरमा देते हैं। एक बकरी के बाल कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि कबीला बहुत बड़ा था, और उन कबीले की भेड़ बकरियां ऊंट वगैरह बहुत ही ज्यादा थे। इसलिए आपका जर ने उस कबीले की मिसाल दी है कि आज की रात करीबों के करीब अजीम अल्लाह बारी ताला नबी के सदके में नबी की उम्मत को बनू कलम के कबीले की बकरियों के बालों के बराबर। आज हम गुनाहों का इकरार करें,
हम सामने रखे, अल्लाह तो बड़ा करीम है, तेरे हबीब के साथ कैसे मांगते हैं, हमें गुनाहों का इकरार है, हम शर्मसार हैं, आपके इस्लाम पर रहम फरमा दे, बदल फरमा दे, हमारी माँ बहन बेटा हम सबको शर्मा फरमा दे, हमारे बच्चों के दीन के दाई मुबल्लिग और सरदार बना दे, ये जो साथी आए हैं तुझे रब मान कर आए हैं, कब्र का सवाब आसान कर देना, तुझे रब माना है, तेरे आगे झुक रहे हैं, तेरे आगे रुकू कर रहे हैं, तेरे आगे सजदा करेंगे कर रहे हैं, तुम्हारी फरियाद सुन, तू समी हो अलीम हो खबीर हो बसीर है, तेरे अलावा हमारा कोई रब नहीं, तेरे नबी के सत्य में मानते हैं, हमारे बीमारों को शिफा दे रहे, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो रोजी कारोबार इमिग्रेशन कोर्ट इत्यादि का मसला है, नबी के सत्य में तू ही शाफी है, तू ही काफी है, तू ही बस है, आज चर में दरवाजे खुले हुए हैं तो हम पर भी उसका तो करना किसी अमीर किसी जिंदा को कर देना जी सलातुल वसूम जो परेशान